आज आपको मैं बिहार शरीफ का दिखा रहा हूँ, जहाँ मैं कभी रहा करता था 30 साल पहले। और ये हमारे बचपन के दोस्त, हमारे भाई के। कौन है आप बताइए? अपना नाम बताइए। मोहम्मद राकिब। मोहम्मद राकिब हमारे भाई के बड़े बचपन के दोस्त हैं, यहीं पे खेला करते साथ में। कंचा मोहम्मद राकिब। राकिब और राकिब, राकिब और राकिब, इन दोनों का जोड़ी था, बहुत बढ़िया जोड़ी था। जहाँ भी फिल्म देखना या कहीं खेलना कूदना, एक साथ में रहता था। सही कह रहे हैं। ये ही वो बड़ी मस्जिद है इमादपुर का, जो ये देखिए मस्जिद पे खिदमत में लगे हुए हैं। और ये बहुत पुराने यहाँ पे ये मस्जिद है। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ का मस्जिद, जो बिहार शरीफ का मस्जिद के टक्कर में, इस पूरे इलाके में मस्जिद नहीं है। और देखिए ये आपको रेलवे स्टेशन से ही ये मस्जिद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और ये मस्जिद के खिदमत में है, क्योंकि आज जुमे का दिन है तो साफ सफाई हो रहा है यहाँ पे। मस्जिद में हम नमाज पढ़ने आते थे, जब रमज़ान के टाइम आते थे तो हम रोज़ा भी यहीं खोलते थे कि, और इस वजह से कि मोहल्ले से हर तरह का आता था, तो इस लालच में हमें घुस जाते थे कि हमें भी कुछ अच्छी वैरायटी खाने को मिल जाए। तो मुझे अपना वो बचपन याद आ रहा, खूब अच्छी तरह से याद है। और इस तरफ बीड़ी गोदाम हुआ करता था, और वहाँ माशाल्लाह बहुत तरक्की हुआ है, बहुत सफाई और बढ़िया भी हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इस तरफ जैसे कि वजू खाना है, और पहले अंदर वजू खाना हुआ करता था, तो अंदर भी है बट एक और यहाँ भी हो गया कि जैसे तादाद बढ़ रहे हैं तो इस वजह से इसे बढ़ाया गया वजू खाना के लिए। तो चलते हैं हम वहाँ जहाँ मैं खेलते कूदते रहते थे, जहाँ हम रहते थे। तो मैं वहाँ का वीडियो दिखाता हूँ। मैं देख सकते हैं ये ही वो घर है जहाँ हम खेला करते थे, और ये वो आंगन है जहाँ हम खेला करते थे। और यहाँ एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ हुआ करता था, यहाँ वो सीरियल आता था जैसे महाभारत हो गया, मुगली हो गया, तो हम ये दिन देखने के लिए पूरे दिन रात यहाँ पड़े रहते थे। और लेट कट जाता था तो हम बाहर चले जाते थे, जब फिर आने के लिए देते नहीं थे भीड़ की वजह से। फिर हम प्लीज करते, प्लीज़ आने दीजिए बाजी, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, खूब ज़िद करता करते थे, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचते थे। और इस टाइम यहाँ पर एंटीना लगा करता था, पहले एंटीना हुआ करते थे, घुमा घुमा के सिग्नल करते थे, आया हाँ अभी नहीं आया, आया अभी नहीं आया। पर वो ज़माना जो था, वो ज़माना अब लौट के दोबारा आने वाला नहीं है। तो इसी को हम आते हैं, हम यहाँ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। नहीं है। और बताइए यहाँ बिहार शरीफ में कब से रह रहे हैं? बिहार शरीफ में हम तो 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से रह रहे हैं। जो कि इनका देखिए, मेरा शादी हुआ है, इनका 70 साल उम्र हो गया है। अच्छा। ये हमारी बहन श्री हैं, और हम साथ में ही खड़े हुए हैं, खेल कूद के बड़े हुए हैं। और ये इनका किचन है, जो आज भी वही किचन है। और ये देखेंगे क्या फनी मजाक कर रहे हैं, अपना 50 बता रहे हैं, हमारी बहन का 70। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो ज़्यादा ज़्यादा एक 35 साल की है, क्योंकि हमारे साथ की है, हमारे साथ खेलते कूदते बड़ी हुई है। हाँ, देखिए वो लड़की है लक्षरी, और ये अपने अभी भी बोतल पीती है। देखिए बोतल ले रखी है अपने पास पीने के लिए। और ये देखिए तो गाइस ये वो गली है जहाँ पे हम खड़े होके खेलते थे यहाँ पे कंचा। और ये गली है, और ये हमारे भदानी जी हैं। तो देख सकते हम यहीं आके हम संभाल लेते थे, और हम उनसे मांगनी मांग करते थे। और ये यहाँ पे घोड़ा रखते थे, और इसे हम 1 रुपये का भी सामान लेते थे, सिर्फ मांगते थे मांगनी, और कहते थे जाएगा मुर्गी वाला। तो ये वही दौर है। तो अपने ये याद को हम ताज़ा करने के लिए हैं। और ये हमारे भदानी चचा है, चचा है गब्बर सिंह के टाइम का ही है। और मैं आपको ये वो गली है जहाँ मैं रह करता था, मैं अपना घर दिखाता हूँ ले जाके। अब वहाँ घर चेंज हो गया है और टूटा फूटा घर है। तो कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का ट्रेवल कैसे है। पहले ये खपड़ा का घर हुआ करता था, और ये है वो घर है। और यहाँ हम बैठा करते थे, जब लाइट कट जाता था तो हम यहाँ बैठ के पूरी रात गुजरते दिन गुजरते थे। और ये हमारे अंजू चचा का घर है जहाँ हम कभी जाया करते थे। और ये पहले सब सलामत हुआ करता था, अब ये बिक चुका है। तो ये तौहीद अंकल लिए हैं घर, और इसने अपना बगीचा बना रखा है।
और ये यकीन मानिए अंदर से भी वैसे ही घर है, बस खाली बाहर का डेकोरेशन चेंज हुआ है। और पहले अमरूद का पेड़ नहीं हुआ करता था हमारे टाइम। और ये गेम आइए, राजू की अम्मी है, ये वही राजू है जब बचपन में वहाँ सब कभी खेला करता था। आज ये अकेले खेलते हैं हमें छोड़ कर। तो ये चच्ची का घर है और पहले दीवार नहीं था बीच में। ये देखिए ये बहुत पुराना घर है। और इस लड़के को देखिए, इसे शर्म नहीं है, दरवाजा खोल के पोटी कर रहा है। ये देखिए ये आज भी कूड़ा है। और यहाँ हम बहुत खेला करते थे पहले, साफ हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। ये लड़की वही है जो अपना मुँह छुपा रही थी। और ये देखिए भाग रही इधर से उधर, ये अपना तो मुँह छुपाती है, साथ में इन लोग का मुँह छुपा रही। देखिए तो गाइज एक ये वो घर है जहाँ हम भी कभी खेला करते थे। और ये पहले बहुत बड़ा हो करता था, बीच में पार्टीशन हो गया है और इधर से एक रास्ता था। और तो गाइज ये वही गली है जहाँ हम खेल कूद के बड़े हुए हैं। और ये औरान है जहाँ पे हम कभी खेला करते थे। और यहाँ पे इमली का पेड़ हुआ करता था और इस टाइम इमली का पेड़ है नहीं। बोलेगा वो बोलेगा, बोलेगा हम खुद बोले। तो गाइज देख सकते गाने रैप गाने को सुना दे रहे हैं। आपका बहुत बड़ा रैपर है, कुछ बहुत आपका नाम सुने हैं। आप रैपर करके दिखाइए थोड़ा। देख सकते हैं ये वही इलाका है जहाँ पे हम कंचा से गोली कहते हैं खेला करते थे। और ये कब्रिस्तान है। लैंग्वेज आज भी वही है लैंग्वेज जो पहले इस्तेमाल हम क्या करते थे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसी में फॉलो कर रहे हैं, बदला कुछ नहीं है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप लोग बोल दीजिए एक बार सब्सक्राइब के लिए।